तमाशा सीजन 3 के सबसे मासूम कंटेस्टेंट सैमा बलोच। मैं बहुत बातें करती हूँ। ओ भाई थैंक यू। मैं वजीर हूँ। शर्म आती है। पता नहीं क्यों सिर्फ हाईलाइट मेरा गुस्सा हुआ। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी थाली में खुद थी। नहीं, आप अपने आप से भी अंदर ही मिली हैं। आप अपने आप को मिला के अठारह कह सकती हैं। बाउट के निहार मुँह अखबार पढ़ेंगे। निहार मुँह उर्दू पढ़े। ये बड़ा खतरनाक गाना है। हॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। उसमें इंस्टाग्राम में हॉलीवुड फिल्टर है। अगर ये सीजन जाना जाएगा तो साइमा बलोच के नाम से जाना जाएगा। Evening, ladies and gentlemen, you are watching the match with the Asamo. आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। आज की जो मेरे मेहमान हैं उनके बारे में मुझे सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई ये कब आ रही हैं शो में, हमें इनसे मिलना है, इनको देखना है कि इनका वो जो महंगा शैतान था वो अब तक जाग रहा है या वो सो गया है। आप बिल्कुल समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई बादशाह सलामत के बारे में कहा था कि तमाशा सीजन 3 की अगर किसी ने नफ्स पकड़ी है, किसी ने अगर रूह कब्ज की है, किसी ने गला दबा दिया है तो वो ये है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने गेम खेला एक रो वो दबदबा इनका घर में था, कोई इनसे बात नहीं करता था, सब डरे हुए थे कहीं इनका म्यूटर शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि इनको ये था कि भाई मेरा शैतान ना जगाओ वरना मेरे सबके शैतान में सुला दूंगी भाई, इससे पहले कि मैं ज़्यादा कुछ कह जाऊँ और ये मुझे भी आके डांट दें। बुलाते हैं फड्डे की बारी बिल्कुल ले रही मेरी बहन है, बुलाते हैं आपके भरपूर ताले में साहब बलोच। साइमा बलोच, मैं अब बिल्कुल नहीं कहूंगा अगर शो में आई है फड्डे की बारी, क्योंकि अब मेरी बहन की बारी आई है। कोई फड्डे नहीं कर सकती यार, तुम लोगों ने बदनाम करा हुआ है इसको। देखें भाई बिला वजह बदनाम हो गई हूँ मैं। लेकिन इतना गुस्सा क्यों आया था साइमा? मुझे पता, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 2 दिन पहले एक शादी में था, मुझसे लोगों ने पता कि अब बहुत सारे सवाल पूछे, एक उसमें हर जगह एक कॉन्स्टेंट सवाल ही होता है, अरे साइमा वाकई इतना गुस्सा करती थी या वो एक्टिंग करती थी? यार शायद मुझे वाकई में आता होगा गुस्सा, वो एक्टिंग आता होगा यार, सिर्फ गुस्सा तो नहीं किया ना मैंने उस शो में। मैंने लोगों को इतना एंटरटेन भी किया, उनको हंसाया भी है, उनसे मोहब्बत भी की है। पता नहीं क्यों सिर्फ हाईलाइट मेरा गुस्सा हुआ ये मुझे समझ नहीं। वी आर ह्यूमन, हम सबको आता है गुस्सा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत एक अलग सी जगह थी। हम सबके लिए थी यार। हाँ ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मुश्किल जर्नी थी, बहुत बहुत मुश्किल जर्नी थी। मैं तो कहती हूँ कि मैं इस दुनिया, तभी तो मैं वहाँ बैठ के लोगों को कहती थी दुनिया वालों, तो मेरे कहने का एक्चुअली मतलब ये होता था, लिटरली मुझे पहले दिन से फील होता था कि यार एक एक मिनट भी बहुत मुश्किल था वहाँ पे गुजारना। तो हम लोग तो मार्स में थे, मार्स जुपिटर, हाँ किसी और दुनिया में थे। तो क्या 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 तब्दीली आई सैमा को जब तमाशा घर में एंटर हुई और जब बाहर निकली हैं, तो क्या चेंज आया आपने पर्सनली? सब्र। हाँ कहते हैं सबर इज समथिंग जो आपको प्रैक्टिस से आता है। तो मेरी जिंदगी में शायद मैं कभी इतनी सोशलाइजिंग नहीं की है जिंदगी में, ये मेरे लिए 18 लोगों के बीच, 18वीं में खुद थी 17 लोगों के। आप अपने आप से भी अंदर ही मिली हैं, आप अपने आप को मिला के 18 कह सकती हैं। नहीं नहीं अपने आप को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ। लेकिन मुझे ये होता था कि दूसरे लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे कभी, लेकिन जितना मुझे अवाम ने, ऑडियंस ने, पब्लिक ने समझाया, जितना मुझे उन्होंने मोहब्बत किया, मुझे हाँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज है मेरी जिंदगी में कि यार मुझे भी पसंद किया। ये सवाल इन्होंने चाहिए मुझे भी पसंद किया। नहीं मुझे ये था कि मैं अपनी जैसी हूं। बहुत मजे की थी और लोगों ने जिस तरह से देखा है ना उसको, देखो हम जब घर के अंदर थे एक अलग एनवायरनमेंट होता है आपका, आप सुबह उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, उसी लूप में आप लगे हुए हो, टास्क खेल रहे हो, दिन खत्म हुआ आप सो गए, बाहर की दुनिया उसको एक अलग एंगल से देख रही होती है। बिल्कुल। कहीं ऐसा हुआ कि अब आप बाहर निकली हैं कहीं मॉल में कहीं, तो सामने से आती हुई फैमिली टर्न करके ओए साइमा बोलो जा रही हट जाओ? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे से पीछे पकड़ पकड़ के खींचते, कहते हैं यू वर द वन, यू हैव गट्स टू स्पीक, यू आर द वन। मतलब लोग चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान की अब औरतें थोड़ी सी मजबूत हो जाएं, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएं, अपने हक में बात करना शुरू करें। व्हाई नॉट, स्पेशली आप अनम एंड दानिया, ये बहुत ज्यादा वोकल थी अपने राइट्स को लेके, जो कि होना भी चाहिए था, होना भी चाहिए। इवन माही, माही एट टाइम बड़ा स्टैंड लेती थी, बल्कि मैं तो कहूंगा यार जितनी भी लड़कियां थी क्यों हम किसी और को सप्रेस करें, वेदर इट बी यू, अनम, दानिया, वजीहा, माही, हुमना, इवन हुमना इंडस्ट्री की भी नहीं थी, लेकिन जहां जहां उसने भी स्टैंड लेना था उसने लिया। अच्छी बात है ना, व्हाई नॉट, एज ह्यूमन हर किसी का हक है कि वो अपने राइट्स के बारे में बात कर सके।
तो ये इस तरह था कुछ, बाकी पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। अच्छा भाई, अंदर आपने ना कुछ नए नए अल्फाज इजाद किए जो दुनिया तक पहुंचे और दुनिया ने उनको बड़ा एंजॉय किया। छीछड़ा शैतान, मैं सस्ता शैतान, और कौन सा था, दो तीन चार तरह के शैतान थे, तुच्छा शैतान, तुच्छा शैतान। ये अपने ये वाकई क्रिएट के अंदर या बाकी आम जिंदगी में आप इस तरह लोगों का यूज कर सकते हैं? आई हैव नेवर यूज्ड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। मुझे खुद नहीं समझ ये कहां से निकली है ये सारी चीजें। टैटू वाले भाई, टैटू वाला आदमी, मास्क वाले भाई, हम इंसान हैं यार, हमारे अंदर है। मुझसे पूछा कि अरे ये छीछड़ा शैतान क्या होता है, मैंने कहा अरे मैं सायमा जब शो में आएगी ना मुझसे जरूर पूछूंगा भाई छीछड़ा शैतान क्या होता है, जरा बताएं दुनिया वालों। मैं खुद भी इसके जवाब के इंतजार क्रिएट की जाए, इंतजार में हूँ। जैसे ही मुझे ये क्रिएट हो जाता है मैं आप लोगों तक ये पहुंचाऊंगी इसका जवाब, व्हाट इज छीछड़ा शैतान, टुच्चा शैतान एंड ऑल। अच्छा, कुछ किसी बात पे बाहर निकल के रिग्रेट किया कि सायमा बलोच को मुझे बजाते खुद ये चीज वहां नहीं कहनी चाहिए थी या ये चीज नहीं करनी चाहिए थी? रिग्रेट तो देखें आपको जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए किसी चीज का। हाँ, मुझे दुख जरूर हुआ है कि मैं समहाउ अपने कैरेक्टर से निकली, मुझे इतना चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए था। मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे वो लोग, जो मैं बेसिकली सबको बहुत अपना समझती थी, बहुत अपने हिसाब से बात करती थी। मुझे नहीं पता था कि घर वाले अंदर इतने जजमेंटल हो जाएंगे, आज इन्होंने पीछे मेरी इतनी बातें की, मैंने शो देखा आपके अलावा, आपके पास कोई भी आता था कि ये है कि समहाउ, बट इट्स ओके। एक घर में जब होते हैं ना, अगेन बात वही है कि आपका ताल्लुक किस तरह का सामने वाले से, क्या वो बात करने के बाद मेरे आपके बीच में कोई उस तरह का एक ड्रिफ्ट आया, क्या मैंने आपके फेस पे कोई आपसे उस तरह की कोई दिलाजारी की आपकी, अगेन वो मैटर करता है। वो तो हो जाता है ना समहाउ, घर में बहन भाइयों में भी हो जाता है, बट मैं बहुत अपना समझ के उनसे बात करती थी, उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा, दे ऑलवेज जस्ट जज्ड मी। बहुत एक्सपीरियंस है आज, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट आई हैव एंजॉयड अ लॉट एज वेल। मैंने बहुत मजे किए यार, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, मैं हंसी भी हूं, हमने बहुत एंजॉय किया है। गाने गाए शायरियां अपनी लोगों के साथ शेयर किए मैंने, और मतलब इतने सारे लोग एज ह्यूमन, इतने सारे लोगों के साथ इतने दिन रहना, अब मुझे एक्चुअली सबकी याद आती है। हाँ, इतने दिनों बाद जब आप बाहर निकले हो, जब अपने आप में वापस आए हो एक जोन में, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि यार मुझे तो बहुत मजा आया। दुख मुझे होता है कि मुझे इतना चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा अपनी जो है ना धीमी आवाज रखनी चाहिए थी, बातें मैं शायद सही करती थी, लेकिन मेरा लहजा जो है कहीं और, क्योंकि मैं बहुत घर जैसा रह रही थी ना, मैं बहुत घर जैसा समझ रही थी। बच्चे आप देखें कभी उनको कुछ नहीं मिलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया वालों उसको सिर्फ एक बच्चे वाले जोन में आप लेके जाइए कि आई नेवर, मैंने कभी दिल से नहीं चाहा कि मैं एज ह्यूमन कभी किसी को हर्ट करूं, एंड आई कैन नॉट डू दिस। अच्छा भाई, इस लड़की के बारे में एक और बात भी कहूंगा कि लड़की वाकई एक वॉरियर है। वॉरियर एज इन के मुश्किल से मुश्किल टास्क, इसको इतनी इंजरीज हुई, कभी इसका घुटना, कभी इसका टखना, कभी इसके हाथ छिल गए, बट जब भी टास्क की बारी आती थी ये एक अलग इंसान होती थी भाई। वो क्या था, कोई अलग कोई चीज लेके गई थी, कोई पुड़िया खाती थी या ताकत आती थी, क्या था? आज वो एक कमिटमेंट होती है ना खुद से करने की, मैं फिर खुद को ही जवाब देनी होती थी बाद में, जिस दिन कभी कभार नहीं खेल पाती थी टास्क तबीयत की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से जो मैं नहीं बता सकती थी पब्लिकली, बट हम कोई ना कोई रीज़न होता था जिसकी वजह से मैं नहीं खेल पाती थी समहाउ, तो उस रात मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था इनसाइड के मैं यार मैंने गेम नहीं खेला, मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल अजीब सा फील करती थी। मुझे एहसास होता था कि यार मुझे खेलना चाहिए ताकि जो पब्लिक जो ऑडियंस मुझे देख रही है उनको ये फील हो कि लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है जिंदगी में, ठीक है तबीयत खराब है, ठीक है कुछ भी है, बट यस वी कैन बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा भाई, एक हमारे साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आपका उन पे कुछ 50,000 रुपये निकलता है, तो आप 50,000 रुपये प्लीज उसे दे दें। आप कौन? वो हैं जो सायरन में जाते थे सुबह सुबह, कह रहे बैठे सायरन मुझे बताना था। मुझे ना चश्मा लगाने नहीं देंगे अंदर आके, मुझे प्लान करके कि मैं काला चश्मा लगा के बैठूंगी पूरा दिन सोती रहूंगी। नहीं, चश्मा लगा के सोने का बिल्कुल प्लान नहीं था यार, एक्चुअली आदत नहीं आया, मतलब एक अलग ही जोन था जिंदगी में। मैं हूँ सुबह उठ के मेडिटेशन का म्यूजिक चल रहा होता है, परिंदों की आवाज आती है उसमें, अंदर भी चिची चिची था तो
एक तो फिर वो म्यूजिक चला के ढंग, और फिर उसके बाद वो लाइट ऑन हो जाती थी, वो मैं ब्लैंकेट से उठने की कोशिश करती थी, जब वो मुझे लाइट नजर आती थी आंख में फिर सो जाती थी, तो वो लाइट को एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। 64 दिनों में कम से कम 50 दफा तो सायरन बजा होगा सैमुअल वालों जाब के लिए। हाँ, इन निकला हो उनसे वो फाइनल होने देने में। पूछा ना आपको सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, मैंने कहा जब मैं योगा करती थी और वो लोग बजर बजा देते थे तो मुझे वो बुरा लगता था। सायमा, हुमना और जुनेद, ये तीन लोग वो थे जो कभी भी कहीं भी सो जाते थे। yes. लेकिन कहाँ सो पाते थे आज, एक अजीब सी इंडेक्स टाइप, एक झोंका लग जाता था नींद का, वो तो ना जाते हुए भी आ ही जाता झोंका। अरे सायमा, क्योंकि अब सायमा ने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, अब अपना शो खुद व्लॉग कर रही हैं, होस्ट कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि सायमा ब्रेक आप ले लें। अगर हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा द नाइट शो विद अयाज सम्मो। Welcome back from the break. You are watching the night show with Ayaz Sammo. मेरे साथ मौजूद है the gangster of Tamasha season 3, Saima Baloch. कितने मासूम जगह गैंगस्टर, जैसे गैंगस्टर का मासूम नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा, बाहर निकलने के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला सायमा? You have guts. डरती नहीं थी किसी से? डरती मैं हूँ अल्लाह से, अल्लाह से, अम्मी से, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। हाँ, देन अम्मी से डरती हूँ, अम्मी की इज्जत करती हूँ। अच्छा भाई, कुछ अब पर्दे उठाने हैं सायमा। ओके, गोट उठा ले प्लीज। देखते हैं कि सायमा इस तरह अंदर लोगों के पर्दे उठाए थे या तो अपने पर्दे उठा दिए कि नहीं। ठीक है जी, क्या सायमा का गाना सुनकर टीचर ने कहा तुम गा रही हो या रो रही हो? यार exactly, क्या हुआ था, कब हुआ था ये स्कूल में? 14 अगस्त का जो हमारा दिन था, हाँ, उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की एक, हाँ, नगमा जो हम गा रहे थे जिसपे था वो ए कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान, हाँ, अभी तो मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ। मुझे अच्छा, ये अच्छा है। सॉरी। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। फिर मैं इतने दिन मैंने प्रैक्टिस की आईने के सामने, फुल मैंने स्टेप भी बनाए डांस के, और ये वो जब मैं टीचर के सामने गई मैं फुल गा रही हूँ कायदे आजम तेरा एहसान है, टीचर बेचारी हंस रही हंस रही, फिर ना हंस निकल गई उनकी, कहती हैं कि बेटा आप गा रही हैं या रो रही हैं? ओके, मुझे आज तक वो बात याद है, शायद इसीलिए मैं गा नहीं पाती। ओके जी, क्या सायमा नचले शो में जाती थी तो अम्मी को कहा दोस्त की शादी चल रही है? Yeah, it's been a long time. अच्छा, घर में बताया नहीं था कि शो करने जा रही हैं? नहीं, शो नहीं, हम ये कहते थे कि हम शादी चल रही है जिसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बट उसके बाद तो ऑन एयर हो गया था, मैं पकड़ी गई थी, मसले बहुत हुए थे उन दिनों, बट ये इस बात को 12 साल पूरा एक महीना चला था शायद। हाँ, हाँ। तो आपने घर वालों को ये कहा था एक महीने शादी थी? बेस्ट फ्रेंड थी ना, शी वाज माय स्कूल फ्रेंड, उसका नाम लिया था मैंने, बट ये कि मेरी बड़ी बहन को मालूम था, yes, तो वो मुझे सपोर्ट करती थी इस चीज़ में, बट बाद में पता चल गया था सबको, तो कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इंसान अगर चाहे तो फिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ वादे कुछ प्रॉमिस मैंने किए घर वालों के साथ जो कि मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, बट यस, इसीलिए मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। पता चला कि आपने नचले में पार्टिसिपेट किया है, आपने खुद बताया था या कहीं कोई खाला की कॉल आ गई थी अम्मी को? उन्होंने देख लिया था, वो ऑन एयर हो गया था, बट उन्होंने कहा तो बहुत कुछ, बट फिर मैंने मना लिया था उनको, मेरा रोना धोना और ये सारी चीज़ें करके मैंने उनको मना लिया था कि मैं आर्ट के बगैर नहीं रह सकती, तो ये अम्मी है तो वो समझ जाती है। ओके जी, क्या सायमा डर गई थी फिल्म मौला जट का नाम सुनकर? यस, क्योंकि वो पुरानी वाली जो मौला जट है ना, मैं तने गंदा सा एंड ऑल, तो मैंने देखी भी नहीं थी वो फिल्म, मैंने कहा मौला जट और ये सब, मैं गाइस लाइक ओके नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। जब को फर्स्ट कॉल आई थी कि हम आपसे के लिए मिलना चाह रहे हैं, तब की बात है ये, फिर मैंने ऑडिशन भेजा था उनको, उन्होंने मुझे इकरा अजीज का ऑडिशन भेजा था एस क्लिप के, इस तरह का कुछ करके भेजना है, तो फिर मैंने अपना रिकॉर्ड करके उनको भेजा, मैं सिलेक्ट हुई, फिर वो सीन सुनने के बाद मैंने मना कर दिया था, बट सर फिर कौन सा वाला सीन?
पूरा वो सीन सुनने के बाद वो कयामत दी पहली निशानी दूजी ते तीजी, मैंने कहा यार ये फिल्म में सिर्फ यही डायलॉग है मैं क्या करूंगी। देन फिर मुझे मुझसे बिलाल लाशारी ने बात की डायरेक्टर ने, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसा है, यू आर द हीरोइन ऑफ द फिल्म, अपने आप में आपका एक कैरेक्टर है तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, आप ऐसे समझ रही ऐसा नहीं है। देन आई वॉज लाइक ओके डायरेक्टर की कॉल आ गई है तो मना करना तो नहीं बनता। आपने कर ली फिल्म वो जी हमने देखी भी माशाल्लाह। कितने कर लिए फिल्म में? 450 करोड़। फिल्म ने अभी 600 हो गए ना, 600 हो गए, 600 करोड़ हो गए। तो आपको कितने चाहिए इसमें से? मैं तो कहती हूँ 200-300 करोड़ मिल जाने चाहिए थे लेकिन मिले नहीं। 200-300 करोड़ फिलहाल लाशारी सामा बलोच कह रही है इनके 300 करोड़ रुपए खा के बैठे हैं कब दे I'm joking. I'm joking. Okay. Okay जी अगला, क्या सैमा अखबार और किताबें पढ़कर सही उर्दू बोलना सीखी हैं? जी बिल्कुल। Okay. हाँ मेरी उर्दू बिल्कुल अजीब सी थी, मैं उर्दू भी बलोची में बात करती थी पहले। तो अखबार पढ़ना शुरू किया कि लाउडली जब आप सुबह उठ के निहार हूँ अखबार पढ़ेंगे तो आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। निहार वो लोग शहद लीमू खा रहे हैं, अजवाइन खा रहे हैं, कलौंजियां खा रहे हैं, ये कह रही है निहार मुंह उर्दू पढ़े आप। क्योंकि मुझे बहुत शौक है ना काम करने का, दिस इज माय पैशन, मुझे होता है कि ये होना चाहिए तो उसके लिए फिर मैं प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के घर से आ गए और आप बस सब कुछ कर जाएंगे, आप स्टार बन जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत की है यार इसके पीछे, किताबें मैंने आधी उर्दू की किताबें खत्म कर ली, अखबार मैंने पढ़े, बहुत मेहनत की मैंने अपनी उर्दू ठीक करने के लिए, लेकिन अभी भी मेरे उर्दू के ग्रामर में का की थोड़ा कभी इधर उधर। वो लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि जो बलोची है उसमें भी का की वाला मसला जो है वो इवन पश्तो में भी ये होता है। हाँ बट जब स्क्रिप्ट आता है तो फिर ऐसा मुझे फील नहीं होता। ओके जी, क्या सायमा को शौक है शायरी करने का? यस बहुत ज्यादा, और ये अभी रिसेंटली मुझे 3 साल पहले पता लगा कि मैं शायरा भी हूँ। 3 साल पहले पता चला? 3 साल पहले पता लगा कि मैं लिख भी सकती हूँ। मुझे पहले भी ऐसे होता था, बहुत सारी चीज़ें आती थी लेकिन मैं लिखती नहीं थी। अच्छा मैं मोबाइल में नहीं लिख सकती, मुझे प्रॉपर पेन और पेपर चाहिए होता है, एक बैठ के एक जोन चाहिए होता है, डिम लाइट एंड ऑल, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ। ठंडी हवा की झोंके आए और इस तरह की चीज़ों में मैं लिख सकती हूँ। हवा का झोंका हो, बहुत शौक है मुझे लिखने का। मैंने अपने कुछ कंटेंट भी लिखे हैं जो मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह उनके फिल्म्स बनाऊंगी, उन पे भी काम कर रही हूँ। आई वुड लव टू राइट, या आई लव राइटिंग। तो हम चाहेंगे कि यार दुनिया को वो कुछ शायद, देखो कुछ तो आपने शायरी अपने तमाशा में हमें सुनाई है जो कि पहुंच चुके दुनिया तक, वो गाना भी आपका पहुंच चुका है। कोई ऐसी कुछ नया कुछ लिखा हो आपने जो आप चाहें दुनिया से शेयर करना? कुछ नया लिखा तो है मैंने लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। चलो कुछ पुराना सुना दो जो आपने अंदर ना सुनाया। उस दिन मैंने फाइनल वाले दिन के लिए कुछ लिखा था, वो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, 2 लाइनें सिर्फ। जी इरशाद। दिल से आह निकली तो तेरी याद आई या रब। वाह, दिल से आह निकली तो तेरी याद आई या रब। तू समाया तो आह सब्र बन गई। आए हाय 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 हाय, ये आपने फाइनल के लिए सोचा था? सोचा नहीं था, जब फिर फाइनल से निकली तो फाइनल में जब आप टॉप 5 में आए, आह जो था ना एक आह वो निकली, तो रास्ते में जब मैं घर वापस गई तो मुझे ये शायरी आई तो फिर मैंने इसको लिखा। वाह। अच्छा वैसे सरमा ऑन अ सीरियस नोट, जब क्योंकि हमने आपको शुरू से घर में देखा था, आपने कहा था कि भाई मैं बड़ा चेक लेके जाऊंगी, मैं शो जीतूंगी, आप मेंटली आप इस पर ना बड़ा अच्छा मैनिफेस्ट किया हुआ था आपने, लेकिन फिनाले में जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि अब आप टॉप 3 में नहीं हैं, क्या फील हुआ था उस वक्त? यही आह निकली ना अंदर से। मुझे याद है मैं यूं बैठा हुआ था, मैं आपको देख रहा था, आपको यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, आई कुडंट बिलीव। आपको लगा मजाक हो रहा है आपके साथ शायद, बट या प्रैंक किया गया बस सलामत की तरफ से? नहीं नहीं, मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट भी कर लिया था उस चीज को, आई एक्सेप्टेड अंदर से, एक वही ना तू समाया तो आह सब्र बन गई, उसी वक्त एक सब्र सा आ गया। देन आई हैव रियलाइज्ड के बहुत अच्छी अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में आनी। I was, why not? मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पूरी कोशिश की थी वो शो जीतने की, बट इट्स ओके, कभी कभी रूमी सेट के कम इन अनदर वे, किसी और तरीके से देखिए, अल्लाह ने आपके लिए कोई बेहतर चीज रखी होगी। बेशक बेशक इसमें बेहतरी की होगी, मुझे लोगों ने जीत से ज्यादा जो लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, जो पसंद किया है, एवरीबॉडी वाज सेइंग के अगर ये सीजन जाना जाएगा तो सायमा बलोच के नाम से जाना जाएगा, तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत दिया, बस इज्जत के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए ना।
वेलकम बैक फ्रॉम द वेज और वाचिंग द मैच विद यस। मेरे साथ मौजूद है तमाशा सीजन 3 के सबसे मासूम कंटेस्टेंट सायमा बलोच। यकीन से खुद भी नहीं आ रहा यार, मासूम भी हूँ ऐसा नहीं है। हाँ तो तभी मैंने कहा यार okay. आपको यकीन नहीं आया, हंसी आपकी निकली okay. मेरी थोड़ी निकली थी यार। वैसे सच बताना, जब घर पहुंची तमाशा सीजन 3 खत्म करके आपकी बहनें आई हुई थी आपको लेने, तो घर पहुंचने के बाद बहनों ने कहा कि यार ये कौन सा गुस्सा करके आई हो अंदर, घर में तो नहीं करती। नहीं, उनको मेरे गुस्से का पता है। पता था हाँ, लेकिन गुस्सा आयाज भाई मैंने कभी बिलावट नहीं की है, हमेशा वहां पे कोई ना कोई रीजन होता था और एक्शन का रिएक्शन था। हाँ। बिला वजह देखें, सबने बुलिंग किया, सबने हाँ, अजीब अजीब लफ्ज यूज किए, मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं क्यों टारगेट बनी हूँ उस चीज के। बस मेरे अल्फाज मतलब मेरे जो बातें थी वो एक लेवल ऊपर की थी। जो आया टुच्चा शैतान हाँ। महंगा शैतान, शैतान सबके अंदर होता है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है। बस अब उनके अल्फाज के चुनाव अगर ठीक थे बात तो वो भी गलत करते थे। तो व्हाई आई वाज टारगेटेड दैट टाइम आई रियली डोंट नो। देखो अयाज सबको पता था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, तो वो अपने हिसाब से तो हर तरह की वो गॉसिप वो बात वो चीज करेंगे मुझे वहां से निकालने के लिए। वो मुझे क्यों अच्छा दिखाएंगे ऑडियंस के सामने, जो कि बादशाह सलामत आके कहते भी थे कि मैं सबसे अच्छा जा रही हूँ। तो वो तो मैं टारगेट तो थी ना एक तरह से। किसने आपको टारगेट किया यार? पीछे गॉसिप करते थे, मैंने सारी बातें सुनी, वो उसने आज ये कर दिया। मैं नहीं हूँ, मैं कहीं भी नजर नहीं आ रही, सब लगे हुए ग्रुप बनाए हुए 12-12 लोग बैठ के, उसने आज ऐसा कर दिया, उसने आज। यार मैं एक लफ्ज भी कहती थी उसमें भी इतना बड़ा बतंग डर बैठा होता ना लोगों को, अल्लाह जाने कि वो मेरा ऑरा है अल्लाह की तरफ से, बिकॉज अल्लाह नोज कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह से तो चीजें नहीं छुपी ना, आप झूठ लोगों से कह सकते हो, आप अल्लाह से तो नहीं कह सकते हो। मैं कोई चीज किसी को कभी दिल से मैंने किसी को हर्ट करने का, मैंने तो बहुत सारी चीजें अवॉइड भी की है वहां पर। बट कहीं समय ऐसा लगा कि हाँ यार मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं ज्यादा कह गई। हाँ लगा, जब मैं आपके साथ जब लड़ी हूँ पहले दिन, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसमें मुझे आई हैड टू रिस्पेक्ट यू, क्योंकि जो रिश्ता मैंने आपको दिया था उसमें मुझे ये, मुझे उसमें थोड़ा सा है कि मैं बात करती लेकिन इतना मतलब यू डोंट डिजर्व दैट। जा तुझे माफ किया कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। और इवन जब हम फिर मैंने आपसे माफी भी मांगी है, हमने सॉरी भी किया है एक दूसरे से बहुत टाइम। देखो वो इंसान है यार, वो जाता वही हुई खत्म हो गई, बाहर निकल के हम उस चीज को डिस्कस उस तरह से ना करें ना किसी के बारे में दिल में कुछ रखना चाहिए। ओके जी, अब गेम है पावर प्ले, तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। जिस तरह की ब्लंट सायमा बलोच है हमें वही चाहिए, ठीक है। मोस्ट फेवरेट तमाशा कंटेस्टेंट अपने अलावा एक नाम लेने, दो नाम लेने, दो जो आपको चले गए, आप और नुमान। अरे थैंक यू सो मच, चलो मैं तो इसलिए मेरे शो में आई हूँ। बिल्कुल। ओके जी, लीस्ट फेवरेट तमाशा कंटेस्टेंट। माही एंड उमना। खुद में अगर कोई एक तब्दीली लाना चाहेंगी तो क्या होगी? अपनी बात करूं लेकिन आवाज नीचे करके। ओके, अपने लिए सबसे महंगी चीज आज तक क्या खरीदी? ऐसे तो बहुत सारी चीजें खरीदी, डायमंड दुखाना चाहूंगी। और सबसे बुरी आदत? गलती से दुखा देती हूँ। कभी किसी का नहीं दुखाया है, वो तो वो पहले से दुखे हुए थे तो दुख दुख के उनको इतना दुखे हुए थे वो कि ये जीत ना जाएंगे गलती से, वो तो कुछ और ही मसला था उनका। बुरी आदत, सुबह मैं उठ नहीं पाती, सुबह नहीं उठ पाती है। ठीक है जी, आखिरी बार किस बात पर रिग्रेट किया? रिग्रेट तो देखें जिंदगी में ही नहीं होना चाहिए, बट बस यही है कि मैं चीखी बहुत हूँ, मुझे चीखना कम चाहिए था। ओके जी, कोई एक विश आपकी जो आप चाहती हैं कि अभी के अभी पूरी हो जाए, अभी के अभी पूरी हो जाए? हॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। हॉलीवुड में जाना चाहती हूँ अभी के अभी। वह है उसमें इंस्टाग्राम में हॉलीवुड फिल्टर है। या यू नेवर नो। इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगी। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। मैं कोई चीज रखती हूँ वो ढूंढ फिर मुझे मिलती नहीं है। यार चीनी रख के तो नहीं भूली थी? जब चीनी गायब हुई थी आप बाकी घर वालों पे शक कर रहे थे,
बाकी घर वाले आप पे शक कर रहे थे। मैं किसी पे शक नहीं कर रही थी, मुझे तो मैं बीमार थी उन दिनों, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बट एक दूसरे पे डाउट अंदर हो रहा था और ये पीछे से किसी और बीमार हालत बुरी, पूरी रात वॉमिट की, पीछे पड़े चीनी चुराई है। सब एक दूसरे पे शक कर रहे थे तो वो गुस्सा जायज हो जाता ना। ओके जी, मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश। क्रश नहीं और साइमा नहीं, नहीं हो सकता। साइमा इश्क वाली है, क्रश वाली नहीं है। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो क्या लेंगे? ओके ठीक है, वजीहा। मैं उनसे हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहूंगी। कैसे हेयर स्टाइलिंग सीखेंगी? अकील। अकील का दिमाग। अकील का दिमाग। अरसलान। अरसलान का टास्क में स्ट्रांग होना। माही। माही से हाँ वही जो वो 5 मिनट में दोस्त बना लेती हैं, मतलब राजीनामे वाला उनका। हाँ दोस्त बनाना। किल मैरी एंड भाई जोन। ओके, एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को भाई जोन करना है। जुनेद, अकील, अरसलान, ये क्या क्या है? एक को भाई बनाना है, हाँ, एक को किल करना है, एक से शादी करनी है। शादी जुनेद। शादी जुनेद। और किल अरसलान। किल अरसलान। और क्या था? भाई जोन। ओके, भाई जोन अकील। भाई जोन अकील। चलो अरसलान तो बेचारा किल हो गया, अकील भाई जोन हो गया, जुनेद तो अपनी खैर मना। अब कुछ आपके ही तमाशा के दोस्त हैं, आपने उनकी पर्सनालिटी को गेज करते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है। ओके जी, अनम तनवीर का पासवर्ड क्या होगा? मैं पराठे नहीं खाती। मैं पराठे नहीं खाती। मलिक अकील। माने कहेंगे ओ भाई। ओके जी, माही बलूच का पासवर्ड क्या होगा? मैं वजीर हूँ। वजीर हूँ। ओके यार, वो एक मीम भी चली है, बादशाह सलामत दिखाया। मैंने आपको वजीर क्यों बनाया है? पीए साहब करी टहलने के लिए। वो बहुत हिट हुआ। ओके जी, अरसलान खान का पासवर्ड क्या होगा? अरसलान खान का चीनी। चीनी। हां, खाना चीनी, चीनी खाता रहता है। यस, दानिया अनवर का पासवर्ड क्या होगा? मैं बहुत बातें करती हूं। वजीहा खान का पासवर्ड क्या होगा? मेकअप। मेकअप सारा करूंगी लेकिन नजर नहीं आएगा। मुझे कहाँ करती है? अरे भाई, दो तीन दिन चार बार बालों में टाइम लगा देती है, बहुत मेकअप पूरी करती है वो, लेकिन माशाल्लाह नजर कुछ नहीं आता। इनविजिबल मेकअप का भैया बहुत अच्छा। भैया मुझे भी सिखाओ इनविजिबल मेकअप। बहुत अच्छा मेकअप करती है। मैं पूछूंगा भैया से कॉल करके, मुझे सीखना ही है वाला। हम जा रहे ब्रेक, अच्छा लगता है। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कितना अच्छा हो जाएगा सब। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं परिस्तान की परी साइमा बलोच। थैंक यू। यार इसकी जब जब तारीफ करो कि हंसी निकल जाती है, इसको यकीन नहीं आता। शर्म आती है मुझे। अल्लाह। ओके जी साइमा, अगला सेगमेंट है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके ठीक है, जिस तरह मैंने रॉन्ग इंट्रोडक्शन दिए आपने रॉन्ग आंसर्स दे। अच्छा, ओ माय गॉड, देखिए कैसा इंसान, तारीफ करके तारीफ वापस कर ली इन्होंने अपनी। भाई क्या वो तारीफ जिसमें सामने वाला खुद हंस जाए। हंसना और शर्माने में फर्क होता है। अच्छा। ये था। ओके साइमा, रॉन्ग आंसर है, ठीक है? जी। साइमा बलोच क्या करती हैं? सुबह जल्दी उठ जाती है। आपका पहला क्रश? पहला क्रश चाहत फतेह। चाहत फतेह अली खान। वाह, क्या मोहब्बत है, वाह भाई वाह। गलत जवाब है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। अगर आपको 1 करोड़ अभी मिल जाए तो आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले अपने लिए गाड़ी खरीद ली। ये रॉन्ग आंसर है। अच्छा सॉरी। मैं वही कहूं, 1 करोड़ मेरे तो सही होना चाहिए था। हाँ, 1 करोड़ मुझे अभी मिलेंगे तो उसका मैं जाके 1 करोड़ की चीनी ले लूंगी। इतना अंदर चीनी के लिए किया है ना साइमन ने। 1 करोड़ की चीनी लेना है भाई की। जाके जो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक खत्म नहीं होंगे। एक काम करो, 50 लाख की चीनी लेना, 50 लाख की हरी मिर्च ले लेना। ओके जी, मुझे इश्क है डैश से। मुझे इश्क है अपने गुस्से से। अपने गुस्से से यार। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। जिंदगी में जिम नहीं जाना चाहिए। जिम नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी।
अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? I hate you. Okay. Favorite travel destination? काला पुल. Okay. वही काला पुल हो गया. ठीक है सायमा, अब क्योंकि हमने आपका डांसिंग टैलेंट भी देख लिया है, एक्टिंग टैलेंट भी देख लिया है, अंतर आपने गाना भी गाया है, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल टास्क है. अब आप हेडफोन पहन लें, कुछ आपके फेवरेट गाने आपके कानों में बजाए जाएंगे. और दुनिया वालों, आप भी जरा अपने लिए दवाई का इंतजाम कर लीजिए. तो आप क्या दवा सर में चिंताएं दो जी. सायमा बलोच, हेडफोन पहन लिए आपने? यस. तैयार हैं? पहला गाना. तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, ना का समझता नहीं, दिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना जब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, दिन तेरे रहता नहीं, दिल खो गया है तेरा. वाह यार, अच्छा गाया, बुरा नहीं गाया. आई डोंट नो व्हाट आई डिड. अल्लाह माफ करे, मैंने झूठ गाया तो. अबा ओके जी. जी हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो. नो. वेरी गुड यार, इतने प्यार से आपने काम करवाया है, वाह वाह. ओके जी, ये बड़ा खतरनाक गाना है, ये सही से गाना, ठीक है? हाय हाय होए होए, दो बदी बदो बदी बदो बदी. मौका मिले कदी कदी नलगी किसने वेखी, मजा ले आए अजदा अजदा. यार गाओ, हंस रही हो? यार मुझे लिरिक्स याद नहीं इसके. भाई मैं शुरू से लगाऊं, मुझे अच्छा लगा था. होए होए तो बदी बदो बदी बदो बदी लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी किसने देखी, मजा लिए अजदा रहने भाई तू चाहत तेरी कौन रहने दी. भाई हमें लग रहा था कि गाना चाहत ने बहुत बुरा गाया था. ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए. नहीं, थैंक यू सो मच सायमा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो. बहुत मजा आया, आप आई और शो के बाद आज हम पहली बार जब कुछ प्रीमियर मिले, उत्तर रश में इतना मुलाकात हुई, आज हमें सुकून से बैठ के बातें की, बहुत अच्छा लगा. और काफ़ी लोगों की फरमाइश भी थी कि सायमा कब आ रही है शो में, उनकी फरमाइश भी पूरी होगी आपके फैंस की. जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने से क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिल के. फैंस से मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने अयाज भाई के शो में ये बात की थी कि वी नीड टू चूज टू बी पॉजिटिव. अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उसको हम शैतान कहेंगे, और अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो उसको हम नेगेटिविटी कहेंगे. तो देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, देयर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, और बट चूज़ द वाइट वन. अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिविटी को आप चूज़ कीजिए. बाकी जिंदगी है, एक दिन चले जाना है वापस. लड़ाई झगड़े ये चीज़ें हम सब, हमने लेके कुछ भी नहीं जाना है इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से. अगर कुछ लेके जाना है तो हमारी इंसानियत है, हमारी अच्छाइयाँ हैं. तो बस वो नेगेटिविटी को हटा के आप प्लीज 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 पॉजिटिविटी को चूज कीजिए. और पॉजिटिव का एक मंत्र भी आपका क्या है, यूं करके हम सीखेंगे आज. जी बताओ.
पॉजिटिविटी। तो जैसे आपके अंदर शैतान आए तो आप जरा प्लीज ये मंत्रा कर दीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव कर दीजिए। मजाक के अलावा इसी चीज को चूज कीजिए, काइंडनेस इज अ चॉइस एंड टू बी काइंड प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे गम दुख बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें काइंडनेस को ही चूज करना चाहिए। वही एक चीज़ है जो हमारे साथ इस दुनिया से वापस जानी है। yes. तो प्लीज डू दैट। मैंने अपना शैतान काबू में कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, जाने से पहले साइमन एक और भी चीज़, आपने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो अपने फैंस से वो भी तो बताएं। जी एवरीवन, दुनिया वालों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। तो प्लीज आप लोग जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है साइमा बलोच लाइफ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी व्लॉग मैंने उसमें बनाया आप लोगों को पसंद आएंगे और आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, अपनी एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में बताऊंगी, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताऊंगी कि मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची। तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तमाशा हाउस में थी, कोशिश मैं करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी क्योंकि साइमा का शैतान भी काबू में आ गया तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और साइमा का यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही आज का शो करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। समोसा नहीं।